एशियन टाइल। हाँ एशियन टाइल्स, एशियन ग्रेनाइट लिमिटेड। तो एशियन ग्रेनाइट कंपनी में देखिए एशियन टाइल अभी 78 है इसका। हाँ इसका अभी जी। राइट्स खुला है और हाँ राइट्स करीबन ये 63 रुपीज में आपको दे रहा है। अब कंपनी जो राइट्स इश्यू में जो डिटेल मेरे पास भी है शेयर्स और मेरे पास भी कम्युनिकेशन आया है, ये करने वाली है कि ये जो पैसा उठाएगी कंपनी इससे पूरा का पूरा डेट रिपे करनी है। वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो कंपनी इज ऑन दी ग्रोथ ट्रैक, पहली चीज। और उसके अलावा ये नए प्लांट्स लगाने वाली है उस पैसे से। तो शॉर्ट टर्म में मतलब फंडामेंटल्स अभी थोड़े वीक लग रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर डेट साफ हो जाए और ये एक्सपेंशन मोड में आ जाए तो नए प्लांट्स लगा के भी, तो काफी कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। तो अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म बेट होगा ये, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म रैलीज के लिए देख रहे हो तो इसको टच भी मत करिएगा, तो बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर ये प्ले आउट बराबर होता है, मतलब डेट पे करके नए प्रोडक्ट्स, और थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने भी किया था, तो कंपनी बहुत अग्रेसिव है रूरल एरियाज में भी। तो अगर ये एक पॉजिटिव चलता है यहाँ से तो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आगे चल के। लेकिन ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म है, 4-5 साल की व्यू, 4-5 साल के लिए व्यू रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको अवॉइड कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यस ये बाई कर सकते हो आप। ठीक, शॉर्ट टर्म में अवॉइड किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये अच्छा स्टॉक है। कारण बता दिया विवेक सर ने कि वो जो नया फंड रेज कर रहे हैं उससे डेट को वो राइट ऑफ या पे ऑफ कर देंगे। डेट जब खत्म होता है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, जो बढ़ती हुई कॉस्ट होती है, वो सारी चीजें वो खत्म होती है, तो कंपनी फिर एक बड़े, और उसके अलावा डेट से ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा पैसा रेज कर रहे हैं तो वो पैसे को फिर वो एक्सपेंशन में लगाएंगे, तो उसका भी फायदा कंपनी को आगे आने वाले समय में मिल सकता है।